एम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाकी जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह में उन सब बात चल रही है आज हमारे 28 MPA थे इंडिपेंडेंट 29 में से एक सीट छोड़ दी 28 में से आज 25 ने ज्वाइन किए अल्लाह के फजल 25 सही कह रहे हैं आप साहब बड़ी मेहरबानी यार नहीं था ना करना किसी ने कहा सर फिर आप आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मुझे आज बहुत खुशी है ये ऐलान करने में कि मुत्तहिद अक़वामी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारा मुकम्मल तरीके में मुकम्मल तौर पे एक एग्रीमेंट हो गई है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया है। हम लोग हमारी डेलीगेशन कराची गई थी कुछ दिन पहले जैसे आपको मालूम है वहाँ पे हमने बहुत अच्छी हमारी मुस्बत हुए थे डिस्कशन हुए थे। उसके बाद मुत्तहिद अक़वामी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपनी जो उनकी कमेटी राबता कमेटी से मशावरत की हमने आके अपने कोर कमेटी से मशावरत की और सिलसिले में आज ये लोग तशरीफ़ लाए हैं और हमने बैठ के एक मुकम्मल चीज़ डिसाइड कर ली खान साहब से एक मीटिंग में बहुत अच्छी मीटिंग रही और उसके मैं दो चार पॉइंट आपको बता देता हूँ। हमारा मंशूर सबसे ज़्यादा अहमियत देता है रेवोल्यूशन को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है एक बलदियाती निज़ाम को एक मौसर बलदियाती निज़ाम जो कि आवाम की तवक्कोआत पे पूरा उतर सके जिसमें वाकई डेवलपमेंट हो ये सिर्फ नाम निहाद ना हो। हमारे मंशूर के मुताबिक हमने मुत्तहिद अक़वामी मूवमेंट की जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रियल लोकल गवर्नमेंट इन सिंध उसको हमने एग्री किया है कि हम भरपूर तरीके से फुली सपोर्ट करेंगे ताकि आइनी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जाए। इसके अलावा हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस रिफॉर्म किया है हमने ये भी एग्री किया है कि हम स्ट्राइव करेंगे कोशिश करेंगे हालांकि ये है तो सूबाई सब्जेक्ट मगर हम कोशिश करेंगे कि पुलिस का रिफॉर्म भी ऐसा होना चाहिए कि पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक रखा जाए और उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो मेरिट के ऊपर हो और जैसे कानून में लिखा हुआ है पुलिस के कानून में लिखा हुआ है कि लोकल बेसिस के ऊपर की जा रही है। इसके अलावा अर्बन सेंटर्स जो ये भी बड़ी अहम बात है कराची के आवाम ने भरपूर तरीके से निकल के हमें वोट दिया है और मुत्तहिद अक़वामी मूवमेंट को भी वोट दिया है। इसकी वजह बुनियादी ये है कि इन्होंने रिजेक्ट की हैं वो दो पार्टीज़ जो रह गई हैं हुकूमत में रह गई हैं क्योंकि कराची और मजीद अर्बन सेंटर्स को निगलेक्ट किया गया है उन पर तवज्जो नहीं दी गई है और उनकी हालात इस वक्त अगर आप देखें लोगों की उनकी पानी के मसाइल उनके सीवरेज के मसाइल उनकी मास ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल जो हैं वो रोज़ बरोज़ ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। हमने ये भी एग्री किया है कि इंशाल्लाह ताला हम कराची के अर्बन सेंटर्स की रिनूअल के लिए ख़ास तौर पर एफर्ट्स करेंगे और एक स्पेशल पैकेज भी देंगे फाइनेंशियल पैकेज भी देंगे ताकि उसके ऊपर फौरी अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा जो और भी बहुत सी बातें हैं मसलन पुलिस रिफॉर्म का कहता है इसके अलावा बहुत सी और बातें भी हैं जिसके अंदर हैदराबाद जो इतना एक बड़ा शहर है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी कायम होनी चाहिए और हम समझते हैं कि हमारा तो ये मंशूर है कि जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हों मुल्क में उतना बेहतर है। हम तालीम के ऊपर मजीद बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करेंगे और उसके अंदर ये उससे हैदराबाद का राइट है एक यूनिवर्सिटी होने का। इसके अलावा और बहुत से निकात हैं हम आपको एक पेपर दे देंगे मगर मुझे खुशी है कि मुत्तहिद अक़वामी मूवमेंट के साथ हमारा एक लिखा हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया है और इंशाल्लाह ताला एक हमारी हुकूमत साजी में ये हमारे साथ शामिल होंगे और मैं इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने वाली हुकूमत में खुश आमदेद कहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा खालिद मकबूल साहब से कि वो आएँ और वो अपने ख्याल पर इजहार करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान साहब की दावत पर यहाँ आए थे
چند دن پہلے پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے جمہوریت کے اس قافلے کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا جو فیصلہ کیا تھا یہ اس کی ایک کڑی ہے. ہمارے درمیان جو کچھ طے پایا ہے وہ آئینی تقاضے بھی ہیں اور پاکستان کی ضروریات بھی. ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر پاکستان اس بات اس فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کس طرح ہم اختیارات اور وسائل کو نچلی سطح تک لے کے جائیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک کے تمام ضروریات جو ہیں ہم نے اپنے سیاسی مفادات سے زیادہ پاکستان کے مفادات اور جمہوریت کی ضروریات کو پیش نظر رکھا ہے. ساتھ میں سندھ کے شہری علاقوں میں جہاں پر آج ایم کیو ایم کا تقریباً 30 سال سے اور آج پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی مومنٹ دونوں کا مینڈیٹ ہے, وہاں کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ سندھ کے شہری علاقے آج بھی پاکستان کے ریونیو کا تقریباً 65 سے 70% دیتے ہیں. اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی, کراچی کی ترقی اور خوشحالی, اس کا مقصد ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی. ہم نے اس طرف بھی توجہ دی ہے, اور ہر وہ قدم جو جمہوریت کو مضبوط کرے گا اور جمہوریت کے ثمرات کو عام پاکستانی تک پہنچائے گا ہم مل کر ساتھ چلیں گے. اور اسی حوالے سے مزید آگے بڑھ کے چلنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ہم نے یہ بھی ہوا ہے کہ سینسس کا ایشو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں, اور کونسل آف کامن انٹرسٹ نے بھی طے کیا تھا کہ سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی میں دوبارہ مردم شماری کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا. اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. ہم نے اسی طرح آرٹیکل 140A کے تحت ایک شراکتی شمولیتی مضبوط مالیاتی طور پر سیاسی طور پر اور ایڈمنسٹریٹیولی ایک خود مختار بلدیاتی نظام, اس حوالے سے بھی مل کر ہم لوگ جد و جہد کریں گے. اور اس جو جو ڈی لمیٹیشن ہوئی تھی اس حوالے سے بات بھی ہوئی, اور جیسے کہ عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو جماعتیں اس حوالے سے سوال اٹھا رہی ہیں کہ اس انتخابات میں بہت سارے تقاضے پورے نہیں کیے گئے, ایم کیو ایم کو بھی اس انتخابات کے حوالے سے بڑے شک و شبہات ہیں. تو اس حوالے سے جو ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ جہاں پر دوبارہ حلقے کھولے جائیں اس میں بھی ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اس حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف ہمارا ساتھ دے گی. کراچی آپریشن جو چل رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا, اور اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اس میں بھی جو کچھ ہوا ہے اس کا جائزہ لے کے اگر کہیں حق تلفی ہوئی ہے اور زیادتی ہوئی تو اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان طے ہونے باقی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گی, اور ہم انشاءاللہ تعالی آگے مل کر چلیں گے. دیکھیے اس حوالے سے ہمارے درمیان بات ہوئی ہے, اور جیسے ہی ہم کسی نتیجے میں پہنچیں گے آپ سب کو آگاہ کریں گے. بتائیے گا کہ آپ کے لوگ جو ہیں الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے تحریک انصاف کے خلاف, آج بھی شیخ صلاح الدین کی ایک درخواست ہے, سندھ میں ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں, وفاق میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں, پالیسی ہے کیا آپ؟ دیکھیے یہی ہے, یہی جمہوریت ہے کہ خود عمران خان صاحب یہ شروع سے کہہ چکے تھے, مبارکباد بھی وصول کر رہے ہیں تو یہ بھی کہہ رہے تھے, اگر کسی کو لگتا ہے شک و شبہات ہے تو اس کا حق ہے. ہم نے ان تمام شک و شبہات سے کو سامنے رکھتے ہوئے بھی انہوں نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہمیں جہاں پر لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے ہم انصاف کے حصول کے لیے آگے جائیں, اور ہم تمام پارٹیوں بشمول پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کا بھی احترام کیا جائے. جی افواہیں ہیں, اور آج یہاں ہمارا یہاں موجود ہونا بہت سارے سوالات کا خود جواب دے. یار بتائیے گا خالد صاحب, یہ بتائیے گا, میرا سوال سما ٹی وی سے ہوں میں,
फारूक स्टार साहब आज आपके साथ नहीं है, क्या उनको एतमाद में लिया गया? नहीं जी, उनसे रातुल बात हुई है। हमने एमक्यूएम के राबता कमेटी के मैं कन्वीनर हूँ, दो डिप्टी कन्वीनर्स, सीनियर डिप्टी कन्वीनर भी साथ थे, और जो कमेटी बनाई गई थी कराची में वो आई है। हमारे बहुत सारे लोग नहीं आए, उसमें फारूक सत्तार भाई भी नहीं आ सके। देखिए सर, ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सराइकी के सूबे को जो भी पंजाब सूबा अलहदा करने की बात की गई, सिंध में भी इंतजामी अमूर पर सूबे अलहदा करने की बात हो रही है, क्या तहरीक इंसाफ आपसे इस बात पर एग्री कर गई है? और दूसरा ये कि आपके जो प्रोटेस्ट हैं इलेक्शन में धांधली के हवाले से, वो कंटिन्यू रहेंगे या आज के बाद खत्म हो जाएंगे? जी कंटिन्यू रहेंगे, हम इंसाफ के उसूल के लिए जाएंगे। मैं इसमें अर्ज कर दूँ, देखें हमने तो खुला कहा हुआ है कि जो भी शकूक व शबात हैं इलेक्शन कमीशन में किसी को भी, तो हल्के वो खोल सकते हैं, हमें उतराज नहीं होगा। ये पहले दिन खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था, हम मुस्लिम लीग नून की तरह नहीं हैं जिनको हमने चार हल्के खोलने को कहा था और उन्होंने ढाई साल हमारे चार हल्के नहीं खोले, बाद में वो जब हल्के खोले उन तमाम ने धांधली साबित हो गई। हमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये हमारे में कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है, अगर ये हल्के समझते हैं खोलने चाहिए खोल के चक्कर। देखिए हाँ, इस हवाले से भी बात हुई है, हमारा एक बड़ा अहम तरीन ये मुतालबा रहा, और हम समझते हैं पाकिस्तान जो कि कायम पाकिस्तान के वक्त मगरबी पाकिस्तान 1.5 करोड़ का था, आज 22 करोड़ का है, और सूबे भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं जिस तरह के डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न होते हैं। तो हम समझते हैं बड़ा लॉजिकल बात है कि अब पाकिस्तान को ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के। हमारा मौक़िफ़ ये है इस हवाले से कि डेवोल्यूशन के ज़रिए जो पैकेजेस बनेंगे वो इसी मकसद को पूरा कर देंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ये हमारा मकसद। देखिए जवाब दे चुके हैं, मैं जवाब दे चुका हूँ ना, जब हम इलेक्शन कमीशन में गए हुए हमने इस पर अपील दायर की भी है, तो हमारे तहफ़ुज़ात हैं ना, और ये बात तो क्लियर कर चुके हैं पहले ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हुकूमत साजी का मामला होता है, एमकेएम आखिरी जो बॉल है ना वो एमकेएम के कोर्ट में होती है। अब आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ इनके साथ शामिल हो रहे हैं, उनकी आप सपोर्ट भी करेंगे, आप ट्रेजरी बेंच पे बैठेंगे या अपोजिशन करेंगे, या अभी आपने डिसाइड नहीं किया? और ये जो आज आप एमओयू साइन करके जा रहे हैं ये यहीं तक है या कराची जाकर भी ये कायम रहेगा? देखिए कुदरत के अपने इंतजाम है, एमक्यूएम की जरूरत रहेगी पाकिस्तान और पाकिस्तान की जमहूरियत को। तो एमकेएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद बनी गाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और इस मौके पर जहांगीर तरीन ने बताया कि एमकेएम पाकिस्तान का मुकम्मल तआवुन हासिल है। इसके साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी भी गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ ने मुतालबात